हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कैसे इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो आय प्रमाण पत्र अगर बनवाना हो तो क्या क्या स्टेप रहेगा, कैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से आने के बाद से फॉर्म को भरना सीखते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वह है esathi.up.government.in। तो जैसे हम इसको लॉगिन किए हैं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाले हैं, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहीं पे ऑप्शन दिया है आय प्रमाण पत्र, मतलब आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है। इसके लिए सबसे पहले इसको क्लिक करना होगा और क्लिक करके एक एक फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे और आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे फिर से पूछा जाता है कि आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो या नगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो तो ग्रामीण पे क्लिक करेंगे, अगर नगरी से बिलोंग करते हैं तो नगरी पे क्लिक करेंगे। चलिए, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो है प्रार्थी का नाम, और यहाँ पे बताया जा रहा है हिंदी में, मीन्स यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना होगा। सपोज मान लीजिए हम फॉर्म भरे किसका, रामू का, हमने रामू टाइप कर दिया। प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, दोनों कंपल्सरी है, मैंने इंग्लिश में भी भर दिया। और नेक्स्ट अगला है पिता पति संरक्षक का नाम, हमने पिता का नाम भर दिया यहाँ पे। उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन पूछा जाता है मकान नंबर, यह कंपलसरी है, तो यहाँ पे हाँ, चलो उसके बाद तो नेक्स्ट पूछा जाता है माता का नाम, तो माता का नाम भरेंगे, जो भी माता का नाम है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है वर्तमान पता, तो जो भी वर्तमान पता में देखिए हमें पूछा था मकान नंबर डालेंगे। उसके बाद से पूछा था मोहल्ला पोस्ट, यहाँ पे जो भी पोस्ट हो पोस्ट डाल देंगे। जनपद, यहाँ पे जनपद जिस जनपद से बिलोंग करते जनपद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से पूछा जाता है कि तहसील क्या है, यहाँ पे तहसील भरेंगे। पटौना से बिलोंग करते हो या हाटा से बिलोंग करते हो या कसिया से या तमकुही राज या खड्डा या कप्तानगंज। सपोज मैं पटौना से बिलोंग करता हूँ, पटौना पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे पूछा जाएगा ग्राम चुने, तो यहाँ पे ग्राम सभा ले लेंगे जिस ग्राम सभा से बिलोंग करते हो। सपोज मान लीजिए अकबरपुर से बिलोंग करते हैं, अकबरपुर ले लिया हमने। उसके बाद से अगला नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाता है मोबाइल नंबर, उस पर्सन का मोबाइल नंबर डालेंगे जिनके जिनका फॉर्म भर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसका नेक्स्ट आगे आएंगे और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थाई पता उपरोक्त, मतलब जो भी आपने डिटेल भरा है अभी, क्या अस्थाई पता भी वैसा ही है, सेम है उपरोक्त के समान। तो जो भी हमारा यहाँ पे हमने डाला है वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। देखो मकान नंबर आ गया, ठीक है, मोहल्ला पोस्ट आ गया, जनपद आ गया, तहसील आ गया, ये सारा का सारा डिटेल आ गया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है व्यवसाय पूछा जाता है, व्यवसाय क्या है। एक उदाहरण के लिए हम दिया है सिलाई कढ़ाई मजदूरी कृषि, क्या मतलब आपका आय का स्रोत क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग का होता है क्या, कृषि, हमने कर दिया यहाँ पे कृषि, ठीक है। और उसके बाद से नीचे आएंगे, अब यहाँ पे पूछा जाता है परिवार का विवरण, मतलब परिवार में जितने सदस्य उनकी संख्या पूछा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा हम लोग डालेंगे नहीं यहाँ पे, नॉर्मल वो करेंगे क्या, एक कर देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम कर देते हैं पांच, तो यहाँ पे पांच करेंगे तो पांच लोगों का डिटेल पूछा जाएगा। अब बताइए उसका नाम क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, वार्षिक आय क्या है। इसीलिए हमको ज्यादा नहीं फिल करना, क्या करना है मन, और वक्त मन करने के बाद से यहाँ कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश होगा परिवार के सदस्य का नाम, तो जो भी है उन्हें डाल दिया क्या, मोहन, हिंदी में भरेंगे सबसे अच्छा रहेगा। व्यवसाय क्या है, कृषि, और आय का मतलब वार्षिक आय का स्रोत क्या है, तो हमने बता दिया क्या,
यहाँ बढ़ देंगे 48 हजार। उसके बाद से यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटेल इतने दिए जा रहे हैं, ठीक है। आय निर्धारण हेतु आवेदन की श्रेणियां, अब पूछा जाता है मजदूर खेतीहर मजदूरी से आय कितना है, ठीक है। तो वाइट पलमर जितना टोटल आय है किससे है, कृषि भूमि का विवरण, ठीक है। तो यहाँ पे डाल सकते हैं क्षेत्रफल कितना है, आय का स्रोत क्या है। तो जो आय का स्रोत है टोटल वो कितना है, वह है 48,000। जो मतलब टोटल जो हमने यहाँ पे डाला सेम यहाँ पे भी डाल दिया, उसका कुछ नहीं करना है। तो देखो बताया जा रहा है परिवार की कुल वार्षिक आय क्या है, 48,000। फिर तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो बोले नहीं, अगर हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो नहीं बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हाँ करेंगे तो यहाँ पे डिटेल पूछा जाएगा, प्रमाण पत्र संख्या बताइए, ठीक है। तो हमने नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, हमने बोला या हाँ। फिर से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है राशन कार्ड परिवार आईडी राशन कार्ड का संख्या आपको डालना है। उसके बाद से फिर से नेक्स्ट अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पे बहुत सारे हैं, शिक्षण संस्था में परिवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु या अन्य। तो अगर छात्रवृत्ति के लिए रियल में भरवा रहे तो छात्रवृत्ति पे क्लिक करना, ठीक है। कई संस्था में जाने के लिए प्रवेश हेतु मांगा जा रहा है तो वहां भरना, अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप क्या करना, अन्य। सबको मान लो छात्रवृत्ति हेतु भर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से शीर्षक पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखिए पूछा जाता है फोटो, तो पहले फोटो पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे फोटो रखे होंगे चूज फाइल पे आएंगे और फोटो यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, जो फोटो रहेगा फोटो सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे और अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फोटो अपलोड हो गया, क्लियर है ना। उसके बाद पहला डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अगर मान लो राशन कार्ड की छाया प्रति है उसको लीजिए, और लेने के बाद से चूज फाइल पे जाइए और मान लो ये राशन कार्ड है, क्लिक कर दिया, ओपन किया और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो देखिए दोनों आ गया, राशन कार्ड भी आ गया और फोटो भी आ गया। मतलब जितना आप लोग अपलोड कर दोगे क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटेल दिखने लगेगा। और जब लास्ट मान लो जो फाइनल कर, यहाँ पे देखो मैसेज भी दे रहा है क्या साइज होना चाहिए इसका। जब नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे देखो डिटेल पूछा जाता है दर्ज करें। अब जैसे हम यहाँ पे दर्ज करेंगे तो हमको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसी रेफरेंस के मतलब रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसी नंबर के सारे हम लोग चेक कर सकते हैं और चेक करके पेमेंट कर सकते हैं, या तुरंत पेमेंट करना है दर्ज करके पेमेंट कर सकते हैं, और बाद में करना है बाद में कर सकते हैं। क्लियर है ना, मतलब बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था। अरे यार उसके घर का डालना है बाबू, स्टूडेंट का व्यवसाय नहीं डालना है, ठीक है। आय का स्रोत जो पढ़ रहे हो, तुम्हारा आय का स्रोत क्या है, घर से ही ना, परिवार के सदस्यों का आय आपको बताना है, ठीक है ना, ना कि अपना आय बताना। आय का स्रोत क्या, पढ़ाई कर रहे हो तो ओके। हाँ ध्यान दीजिएगा, यह डिटेल भरने बाद बस करेंगे क्या, यहाँ से दर्ज करेंगे, दर्ज करते ही सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद आसानी तरीके से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। सपोज मैंने फॉर्म भर दिया और थोड़ा बैक आते हैं, और बैक आने के बाद से आ जाएंगे, देखिए यही पे बहुत सारे ऑप्शन है, कर आवेदन प्रिंट करे, सेवा शुल्क भुगतान करे। तो मान लो अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे। सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करने बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन नंबर, और जैसे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे सबमिट करेंगे क्या हो जाएगा, आपका डिटेल बताएगा और चार्ज बताएगा कितना चार्ज कटेगा, और आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब चल चलो सपोज मान लो हमने क्या कर दिया, आवेदन कर दिया है, ठीक है, पेमेंट भी कर दिया है, और सपोज मान लो आ गया है, अगर उसको प्रिंट करना है तो यहीं पे ऑप्शन आवेदन प्रिंट करें, आवेदन संख्या डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे सुरक्षित, सारा डिटेल बताएगा और आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लो जितना आपने आवेदन किया है, अगर सबका सूची देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक कितना आवेदन किया है, तो यहाँ पे आवेदन की सूची देख सकते हैं। यहाँ से कह रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, अगर आपने किया होता तो बताता, नहीं किया है तो नहीं बता रहा है। उसके बाद से यहाँ पे निस्तारित आवेदन, इसमें भी कोई नहीं है। कह रहा है कॉस्ट या इनकम क्या चेक करना चाहते हो, जैसे मान लो इनकम चेक करना चाहते तो भी नहीं है, कॉस्ट करना चाहते वो भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई फॉर्म भरा ही
नहीं है, किससे? इस आईडी से, इसीलिए डिटेल नहीं दिखाया जा रहा है। अगर मान लो रसीद चाहिए उसका, तो रसीद पे क्लिक करेंगे, आवेदन संख्या डालेंगे, सुरक्षित करेंगे और स्लिप को प्रिंट कर लेंगे। क्लियर है ना? कुछ निर्देश पढ़ने हैं तो यहाँ से निर्देश पढ़ा जा सकता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है, तो आप आसानी तरीके से सबका इस्तेमाल करके आसानी तरीके से देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। क्लियर है? बोली सुझाव कुछ लेना है तो देखो बताया भी जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पे नॉर्मल तरीका है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आसानी तरीके से कर सकते हैं। सपोज मान लो होम पे आते हैं, और होम पे आने के बाद से अगर सेम ऐसे मान लो हमको आया नहीं निवास क्लिक करना, तो सिंपल है, आपको निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करना होगा। और आएंगे और आने के बाद देखो यही पे आए निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने बस सेम वही प्रोसेस है, इसमें बस यही है आय का विवरण नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसमें भी यूजर आईडी बनाना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण और यहाँ पे नगरीय है, सेम ये प्रोसेस में आ रहा ना, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम वही है, बस यही पे पूछा जाता है क्या निवास की अवधि कब से रहते हैं, जन्म से या कुछ सालों से रह रहे। तो जन्म से रहते तो जन्म से भरिए, और वर्ष से रह रहे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कितने वर्ष से रहते हो, यहाँ पे डिटेल बढ़ाना पड़ेगा। जन्म से रहते तो क्या ले लेगा, जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा, जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा। अगर वर्ष वर्ष पे करेंगे तो पूछेगा कितने वर्ष से रहते हो। और ये पूछा जाता है प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हाँ आपको राशन कार्ड डालना ही, आपका राशन कार्ड का नाम नाम है तो आपको डालना पड़ेगा, करेक्टर नंबर डालना पड़ेगा, और इसमें भी दो डॉक्यूमेंट हमको डालना पड़ेगा। ओके ना, सेम ही प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है, सारी तरीके से भी हो जाएगा। अगर मान लो सपोज आप स्टेटस चेक करना चाहते हो, तो आप स्टेटस कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले होम मेनू में आ जाओगे, और होम मेनू में आने बजे यही पे ऑप्शन है आवेदन की स्थिति, मीन्स अगर मैंने फॉर्म भर दिया और आपको प्रिंट करके दे दिया तो टाइम टू टाइम हम तो चेक कर नहीं पाएंगे, जब मैसेज आएगा एक बार सबमिट करके डिलीट करके मतलब क्या प्रिंट करके दे देंगे। लेकिन तुम तो सोच रहे हो नहीं किसके पास गया जल्दी से आ जाए, ठीक है, या देखे किसके किसके पास गया है, रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ऑप्शन है आवेदन की स्थिति, हम आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे, और आवेदन की स्थिति पे क्लिक करने बाद से यहाँ पूछा जाता है इंटर एप्लीकेशन नंबर, इंटर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे हमको एप्लीकेशन नंबर डालना है, और एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ से सर्च करना है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के सर्च करेंगे डिटेल बता देगा कि यह किसके पास गया है, अगर तहसीलदार के पास गया है तो तहसीलदार बताएगा, उनका नाम भी बताएगा, एसडीएम के पास गया है तो बताएगा कि यह एसडीएम को भेज दिया गया है, अगर लेखपाल के पास गया है तो बताएगा यह लेखपाल को भेज दिया गया, अगर कंप्लीट बन गया है तो भी बताएगा कंप्लीट हो गया। समझ रहा ना, यहाँ से आवेदन की स्थिति हमेशा देखो ट्रैक या स्टेटस ट्रैकिंग ऑप्शन दिया है, बस नंबर डालते ही सर्च करेंगे तुरंत बता देंगे, ठीक है। और ऐसे ही लोग चेक करते हैं, अगर कोई बनवाया हो तो बताया अपना नंबर, हम चेक करके बता देते हैं, कोई बनवाया हो तो दो जल्दी से। इनकम इनकम वाला देखिए यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे दिया है आवेदन की स्थिति और डालते हैं 21 18 900 10 017 37 59 और यहाँ पे सर्च कर दिया, देखिए बता दिया, देखो कह रहा है सेवा का नाम आय प्रमाण पत्र, आवेदन का संख्या बता दिया, आवेदक का नाम प्रांशु, पिता का नाम संजय, और देखो बताया जा रहा है आवेदन स्वीकृत हुए प्रमाण पत्र तैयार हो चुका, क्लियर है ना, मतलब बन चुका है। लेकिन अगर मान लो नहीं होता तो यही पे मैसेज देता यह आवेदन लेखपाल को भेज दिया गया, यह आवेदन तहसीलदार को भेज दिया गया, यह आवेदन
एसडीएम को भेज दिया गया, किस डेट को भेजा गया सब डिटेल बता दो, आपका बन चुका है इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट बता रहा हूँ, बता वो नंबर बता के सबमिट हो सकता है, क्लियर है, 3 साल के लिए रहता है ना। हाँ तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं, अरे विवरण है तो क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करके विवरण देख सकते हैं यहाँ से, इसमें पॉपअप विंडो नहीं ओपन हो रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिटेल बताया भी जा रहा है कहाँ कहाँ गया था, देख लो यहाँ बताया जा रहा है, सबसे पहले कहाँ गया था, देवेंद्र कुमार गुप्ता के पास, उसके बाद सुमित सिंह के पास, उसके बाद विनय कुमार सिंह के पास, उसके बाद सुमित सिंह के पास। अब देखो हुआ क्या, देवेंद्र भेजे किसको, सुमित सिंह को, सुमित सिंह भेजे किसको, विनय कुमार सिंह को, विनय कुमार भेजे किसको, सुमित सिंह को, और सुमित सिंह भेजे किसको, देवेंद्र कुमार गुप्ता को, और इस डेट को बन किनका चला है, यहीं पे ऑप्शन है, जैसे क्लिक करोगे विवरण पे ना, तो यहीं पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, विवरण पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, तो बन चुका है, कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, देखना आप आसानी तरीके से चेक कर सकते, हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से चेक किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो आज के क्लास में बताया कैसे इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, प्लस कैसे स्टेटस चेक करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, और कैसे लोग पेमेंट करते हैं। ओके ये